राजस्थान की राजनीतिक गलियों में एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये उपचुनाव कई महत्वपूर्ण सवालों और चुनौतियों के साथ आ रहा है। ये चुनावी प्रक्रिया राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में नई ऊर्जा का संचार करेगी। आइए विस्तार से जानते हैं नामांकन प्रक्रिया और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया। चुनाव आयोग द्वारा जारी तारीखों के अनुसार सुबह 11 बजे से धौसा, झुंझुनू, चौरासी, खींवसर, सलूम्बर, रामगढ़ और देवली उनियारा विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ये सभी दलों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस और बीजेपी, इन उपचुनावों को अपनी प्रतिष्ठा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ मान रहे हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों के लिए नामांकन करने की तिथि 25 अक्टूबर तय की गई है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर तक की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार को अपना नामांकन वापस लेना है तो वह 30 अक्टूबर तक वापस ले सकता है। इन 7 सीटों में से कुछ सीटें तो वो है जहां पहले से ही सियासी गर्माहट महसूस की जा रही है। इन सीटों पर किसकी जीत होगी ये जानने के लिए राजनीतिक विश्लेषज्ञ और मतदाता दोनों ही उत्सुक भी हैं, जिसके लिए उन्हें परिणामों का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को वोटिंग और रिजल्ट की तारीखों की घोषणा की थी। राजस्थान में 13 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा, जबकि परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ये प्रक्रिया के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। कांग्रेस ने इन उपचुनावों को अपनी ताकत को मजबूत करने का एक अवसर माना है, तो वहीं बीजेपी ने अपने खोए हुए आधार को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। दोनों दलों ने अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों की। बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। चुनावी मैदान में उतरने के लिए उन्हें अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देना है। वहीं कांग्रेस को भी यह तय करना है कि वह इन 7 सीटों पर अकेली लड़ेगी या गठबंधन करेगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही चुनावी रैलियों और प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू हो जाएगा, जो कि इस बार काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। कांग्रेस के गठबंधन के आसार कम नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका अंतिम निर्णय पार्टी के हाईकमान द्वारा किया जाएगा। दूसरी ओर बीटीपी ने सलूम्बर और 84 सीट पर अकेले लड़ने की बात कह दी है। राजस्थान की जनता का ध्यान इन चुनावों पर है और अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी। वहीं आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी कर रहे हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि उनकी पार्टी चुनाव में कैसे भागीदारी करेगी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। उपचुनाव की प्रक्रिया के साथ ही सियासी गतिविधियों में और तेजी आ गई है। यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों का स्थिति परीक्षण नहीं होगा, बल्कि राजस्थान के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी या बीजेपी वापसी करेगी? इन सवालों के जवाब हमने जल्द ही मिलेंगे। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और इसके अपने दोस्तों को शेयर करें। राजस्थान की राजनीतिक पर लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं फिर किसी नए खबर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।